रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा में एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला कल रात का है। कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले सियाराम चौक रेलवे कॉलोनी के पास का है। ये जो मृतक महिला आप देख रहे हैं, इसका नाम सुरेखा बाई पति शंकर पासी है, जो कि निवासी सियाराम चौक की रहने वाली है, जिसने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला की फांसी लगाने की सूचना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम सा छा गया था। मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी को मारा गया है। आए दिन उसका पति और जेठ उसके साथ मारपीट करते थे। उसकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती थी, जिसकी शिकायत मृतक महिला के परिजनों ने कोतवाली थाने में भी दर्ज करा दी है। वही शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। फिलहाल मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इसी को लेकर मृतक महिला के भाइयों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके जेठ और पति ने मिलकर उसे मारा है। इसी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। हुआ ही नहीं होगा कभी, किसी दूसरे मामले में लेटर निकला होगा, किसी दूसरे मामले में लेटर निकला होगा। इस मामले में कहां के रहने वाले आप लोग? प्रतापगढ़ यूपी, और यहां खंडवा आए हुए हैं। हमारी सिस्टर है, उसका क्या बोलते हैं, फोन किए, बोले कि आपकी बहन इधर उधर कर रही है, उसके बाद हम उसको जान से मार देंगे। धमकी भी दिया हुआ, धमकी देने के बाद उसको फिर सुबह 4-5 बजे फोन किया, बोला आपकी सिस्टर ने फांसी लगा के मर गई। और यहाँ पर पता लगा, हम लोग जब आए, सारे लोग बता रहे, मोहल्ले के सारे लोग बता रहे, उसको तलवार लेके जो उसका जेठ था वो पूरा कपड़ा उतरवा दिया, कपड़ा उतरवा के बाद साया और ब्लाउज पाई हुई थी, पूरे पूरे मतलब मोहल्ले में दौड़ा दौड़ा के तलवार से मारने की कोशिश करा, लेकिन मार नहीं पाया। और मेरी सिस्टर यहाँ पर एक और रहती है, उसके वहाँ रात में भाग के गई रात में। उसके बाद उसका जेठ जो आया था बुलाने, उसको बोला निकल बहन चोद, तेरे को मार दूंगा आज, तो नहीं गई वहाँ से। उसके बाद उसकी सास आई बुलाने, तो उसके बाद सास बोली कि चलो मेरे साथ चलो, नहीं होगा मैं अपने पास चलाऊंगा, बोले ठीक। उसके बाद रात में पता नहीं कैसे क्या हुआ, कितने बजे मारे कुछ नहीं पता चला। अभी जब हम लोग यहाँ पर आए तो उसको देखा, उसका मारा हुआ, यहाँ पर सर में भी चोट आई है उसके, और इसका जीभ से खून निकला, नाक से खून निकला, कान से निकला, हर एक जगह से खून निकला हुआ। वो फांसी सर आप बताइए, इतनी बड़ी रस्सी से कोई फांसी लगती है? और ऐसे फांसी लगती है, इतने कम से कम इतना इतनी हाइट होगी उसकी जब फांसी लगेगी, तो ऐसे नहीं होगा कि अब इतनी बड़ी रस्सी से, भी जो रस्सी हुई थी ना वो नाड़ा था, उससे कोई इंसान पकड़ खींच देगा तो टूट जाएगा। क्या नाम है? रेखा, सुरेखा। ये कोर कर रहे हैं, एक उसका हस्बैंड था, एक उसका जेठ था, ससुराल वाले उसके, उनका एक का नाम शंकर है, राजकुमार। वजह बस यही था, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, सर गांव जाने के लिए कह रहे थे, आज हमारे भाई की शादी है, तो हम लोग पंजाब में रहते, वहाँ से आए थे हम यहाँ पंजाब में, तो हम बुलाए थे उसको कि आ जाए, हम सबसे मिल जाए, 1.5 साल हो गया नहीं आई। मैंने वो मेरे को, मैं अपने भाभी के पास फोन किया, कहती कि भाभी किराया नहीं है, भैया को बोल तो मेरा किराया भेजते हैं। तो मैं शादी में गया था, तो मैं आया तो 5 बजे मेरे घरवाली बताने लगी कि बिट्टी आ रही है, उसको यानी पैसे भेज दो, किराया नहीं है। मैं कहा ठीक है, मैं अभी गूगल पे कर दे रहा हूँ। उसके 10 मिनट के बाद ठीक फोन आया, इसके सास ने किया कि तुम्हारी बहन फांसी लगा के मर गई है। उसके बाद यहाँ आने पर पता लगा कि मोहल्ले वाले कह रहे कि तलवार लेके कपड़े उतरा के पूरे मोहल्ले में दौड़ाया था। तलवार लेके राजकुमार जेठ उसका, अभी तो ये है कि जो इसका घर वाला था ना, वो खड़ा होकर तमाशे देख रहा था, कुछ नहीं वो किया। अभी हम मोहल्ले वाले समय सारे पता लगा है, उसको फांसी नहीं हुई, फांसी नहीं लगाई, उसको मर्डर हुआ उसका, क्योंकि मर्डर होता है सर, तो अगर हम फांसी लगाते हैं तो ना पेशेंट का कम से कम 1 से 1.5 फुट हाइट होनी चाहिए ऊंची, और उसका घुटने के बाल वहाँ बैठाए थे, वहाँ पे वैसे रस्सी मार के रस्सी बांध दिए थे, वो भी साड़ी की किनारी होती है जो लैस थे उससे बांध दिए थे। तो कोई क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इनको बस फांसी की सजा हो। आपकी बहन कहाँ दिए थे?
हम यहाँ खंडवा में शादी किए थे। मोहल्ले का नाम फिर राम चौक रेलवे का नाम। आप कौन हैं? मैं भाई आपके जी। क्या नाम है तुम्हारा? शिवा। मेरा नाम गोविंद है।